हाय फ्रेंड्स, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्नॉकलेस टॉप 10 इंडिया में आपका स्वागत है। मूवीज देखना हम सभी को बहुत पसंद है। मूवीज हमारे लाइफ के ग्लूमीनेस को पूरी तरीके से दूर कर देती है। फिल्मों के रंग बिरंगे और चकाचौंध रोशनी के पीछे हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। हमारे फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स की अक्सर लार्जर इन लाइफ कैरेक्टर वाली पर्सनैलिटीज होती हैं। ये अक्सर एक ही तरीके के रोल करते हैं जो कमर्शियली वायबल रहते हैं, इसीलिए मोस्ट पिक्चरों में इनका एक ही जैसे रोल रहता है। और सच पूछिए तो इनमें इतना ज़्यादा करिश्मा रहता है कि ये अपने दम पर ही पिक्चरों को हिट कर देते हैं। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे ये फेवरेट एक्टर्स अपने कम्फर्ट जोन से बाहर जाकर एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे जाते हैं। तो चलिए आज ऐसे कई सारे परफॉर्मेंस को हम देखते हैं जहां पे इन एक्टर्स ने अपनी छाप छोड़ी है बॉलीवुड में। इसके पहले कि हम ये लिस्ट चालू कर सके, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश हुए। अगर आपने लिटरली रणबीर सिंह के कोई भी मूवी को देखा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि उनका ज्यादातर परफॉर्मेंस बहुत ही लाइव और एनर्जी के साथ में भरा रहता है। उनके रियल लाइफ और रियल लाइफ के परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं है। पर विक्रमादित्य मोटवाने की मूवी लुटेरा में रणबीर सिंह ने बहुत ही नुवांस परफॉर्मेंस दिया है। ये मूवी भले ही क्रिटिकली बहुत एक्लेम रही हो, बट बॉक्स ऑफिस में उतना ज्यादा कारोबार नहीं कर पाया। भले ही ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पर ये कल्ट क्लासिक बन चुका है। ये मूवी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बंगाल के एक छोटे से ग्राम मानिकपुर में सेट है। फेमस राइटर ओ हेनरी के एक शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर्ड ये मूवी एक कल्ट क्लासिक है, जो आपको एक रणवीर सिंह के सबटल परफॉर्मेंस के लिए एक बार जरूर देखना चाहिए। तुमने मुझे गोली मारी। डोंट शश मी। तुमने मुझे गोली मारी। गोली मारी होती तो करने की जरूरत नहीं होती। डर था, बेहोशी था, जो भी था क्यों था। कैटरीना कैफ बॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक है। उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ब्लॉकबस्टर्स मूवी में एक्टिंग किया है। इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी उनको एक्टिंग स्किल्स के बजाय उनके लुक्स के लिए उन्हें कास्ट किया जाता है। मोस्टली उनके रोल्स इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि उनको उसमें एक्टिंग ज्यादा ना करना पड़े। हालांकि उनको जब भी मौका मिला है उन्होंने अपना एक्टिंग स्किल्स दिखाया है, और हमारे हिसाब से उन्होंने सबसे एक्टिंग किया है 2009 की मूवी न्यूयॉर्क में। ये मूवी तीन कॉलेज फ्रेंड्स की कहानी है जिनकी लाइफ 9/11 के अटैक के बाद पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। कैटरीना कैफ ने इस मूवी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। एक कॉलेज गोइंग बबली लेडी से एक टेररिस्ट अटैक के सस्पेक्ट की वाइफ का रोल उन्होंने बहुत ही बखूबी से निभाया है। उन्होंने इतना वर्सेटाइल और सीरियस परफॉर्मेंस दिया है कि सारे क्रिटिक्स ने उनके एक्टिंग की बहुत सराहना की। अगर हमारी नियत खराब होती ना, तुमको गर्लफ्रेंड बना के घुमाते, ऐसे शादी का प्रपोजल थोड़ी देते। गर्लफ्रेंड? हाँ। आज तक किसी को गर्लफ्रेंड बनाए हो तो? हम कभी बनाना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, वो नहीं चाहती थी, बनती भी नहीं तुमसे ना बहन। अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर छोड़ो, तुम शादी के बारे में बात करो। अरे नहीं करनी है शादी, अब क्या अपने जिसमें टाटू बना के समझाए तुमको। मैडम छेड़ो है क्या तुमने? ये तुमको छेड़ना लग रहा है, तुम ज्यादा हीरो मत बनो बस में। अगर आप बॉक्स ऑफिस के नंबर्स को देखें तो वरुण धवन का परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब है। साल 2012 में उन्होंने अपना बॉक्स ऑफिस डेब्यू किया था, पर वो ज्यादातर फिल्मों में एक चॉकलेट बॉय का ही रोल प्ले करते हैं। भले ही ये बहुत ही हिट फॉर्मूला है और उनकी सारी पिक्चरें अक्सर बॉक्स ऑफिस पे हिट होती हैं, मगर एक्टिंग के हिसाब से सारी पिक्चरों को बहुत ही क्रिटिकली डिफ्रेम किया जाता है। मगर उन्होंने अपनी दो फिल्में
बदलापुर और अक्टूबर से उन्होंने ये प्रूफ किया कि वो एक्टिंग में भी किसी से पीछे नहीं है। खासकर कि अक्टूबर में जहाँ पे उन्होंने ऐसा एक्टिंग करके दिखाया कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेलबोर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने इस पिक्चर के लिए बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी प्राप्त किया। सुरजीत सरकार के इस कमिंग ऑफ एज ड्रामा में सभी क्रिटिक्स ने वरुण धवन को उनके एक्टिंग के लिए बहुत सराहना किया। इन दो मटकियों के लिए गलती हुई आपसे, गलती का दाम नहीं लेती मैं। दाम दे रहे हैं दान नहीं, प्यार से दे रहे हैं रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। भाई बॉलीवुड के सबसे दबंग एक्टर हैं, उनका स्क्रीन प्रेजेंस ही किसी भी मूवी को हिट बना सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि पिक्चर की स्टोरी में भले कोई दम ना हो, पर भाई अपने ही बलबूते पे पिक्चर को 300 करोड़ क्या 400 करोड़ के भी ऊपर ले आ चुके हैं। पर आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि भाई भी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। जब जब वो अपने मूवी में सलमान खान बनने से बोर हो जाते हैं, तब तब वो एक जेम छोड़ जाते हैं। अंदाज अपना अपना, बजरंगी भाईजान, तेरे नाम और मैंने प्यार किया ऐसे कई पिक्चरों में से एक है जहां हम अपने भाई को सच में एक्टिंग करते हुए पाएंगे। पर सलमान का बेस्ट परफॉर्मेंस हम दिल दे चुके सनम में रहा है, जिसका हाईलाइट था तरफ तरफ के इस दिल वाले गाने में उनका हार्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। हाय प्रिया। हाँ मैं, मगर वो सुनो तो, तुमने तो, लेकिन मैं कब से क्या, मैं आकाश के यहाँ। हेलो, उसने फोन रख दिया। अगर आप शुरुआत से सैफ अली खान का कैरियर फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि वो स्टार्टिंग से ही चॉकलेट बॉय का रोल प्ले करते आ रहे हैं। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि लाइफ टाइम अपने इस चॉकलेट बॉय रोल को प्ले करते रह जाएंगे। फिर फाइनली 2004 की बनी मूवी एक हसीना थी से सैफ ने अपने करियर चॉइसेस में चेंजेस लाए। उसके बाद 2005 में बनी मूवी बीइंग साइरस में उनके रोल को बहुत सराहना मिली। और फाइनली 2007 में बनी मूवी ओमकारा से सैफ अली खान ने अपने चॉकलेट बॉय इमेज को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। फिल्म में अजय देवगन और नसरुद्दीन शाह के होने के बाद भी सैफ अली खान के लंगरा त्यागी वाले रोल ने सबसे ज्यादा सराहना ली। उनका एक देसी गुंडे का कैरेक्टर परफॉर्मेंस इतना जोरदार था कि उन्होंने हीरो को ही ओवरशैडो कर दिया। सैफ अली खान ने अपने इस रोल के लिए बहुत एफर्ट लगाए, उन्होंने अपना हेड शेव कर लिया, अपने दांत पीले करवाए और एक लोकल डायलेक्ट को भी सीख लिया जिससे उनका परफॉर्मेंस नेचुरल लगे। इसके बाद उन्होंने ऐसे कई सारे डाइवर्स कैरेक्टर्स प्ले किए, जैसे गो गोवा गॉन, लाल कपनान और रिसेंटली रिलीज हुई तानाजी। हम आशा करते हैं कि सैफ अली खान इसी तरीके से नए रोल प्ले करते जाएं जो हमें खूब एंटरटेन करे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको किस स्टार का रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया उनकी मूवी में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें। थैंक यू।